नमस्कार, मैं रोशनी कुशल जायसवाल, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से। यहाँ के 8 विधायक, जिसमें से 3 मंत्री हैं और हमारी महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी। यहाँ बोर्ड लगने का मतलब है कि यहाँ की रोड एकदम चकाचक होगी, यहाँ सीवर लाइन बिछ चुकी होगी और एकदम स्मूथ लाइफ चल रही होगी यहाँ की जनता की। लेकिन आइए मैं आपको पहले यहाँ की हकीकत दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी स्मूथ रोड है। यहाँ बगल में हॉस्पिटल है जहाँ पे औरतें अपनी डिलीवरी करवाने के लिए आती हैं, और ऐसा उबड़ खाबड़ रास्ते में उन्हें इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि अगर 10 महिलाएं एक दिन में आ सकती हैं तो रास्ता खराब होने की वजह से सिर्फ 2 ही महिला आ पाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करना। बोर्ड लग जाता है, लेकिन बोर्ड लगे हुए 8 महीने हो गए लेकिन यहाँ पर रोड बनने का नाम नहीं ले रहे। सांसद जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें तो फुर्सत नहीं है झूठे झूठे दावे करने की। पिछली बार भी 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया गया था कोरोना महामारी के समय में। वो 20 लाख करोड़ कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। लेकिन जो रोड बनाने के लिए पैकेज दिया जाता है, जो टैक्स यहाँ की जनता भरती है, वो टैक्स तो पूरा का पूरा दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ की हकीकत ये है। और मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि सर, बोर्ड लग जाने से उनकी पब्लिसिटी हो जा रही है, लेकिन बोर्ड लगने के बाद जो काम होना चाहिए, पहले काम होना चाहिए फिर बोर्ड लगना चाहिए, कि पहले बोर्ड लग जाना चाहिए और 8 महीने हो गए अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आप जनता है, आप बताइए, यहाँ पे रह रहे आप लोकल जनता, आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? यार, रोड तो बहुत ज्यादा 9 फीट गहरा गड्ढे में था, इसलिए हम लोग इसको पटवा कर सही किए गए हैं। आप लोगों ने सही कराया? सभा कठिन जाने के बाद ये पास हो गया है, लेकिन जो है ये बन नहीं पा रहा है। ये 6 महीने से पास हुआ है लेकिन आपकी रंजक की वजह से जो है बन नहीं पा रहा है। सभासद यही कहते हैं कि उधर का भी नहीं बनेगा। तो बोर्ड किस लिए लगवाया गया, मैं पूछना चाहती हूँ, सिर्फ पब्लिसिटी हो सके कि यहाँ की मेयर है मृदुला जायसवाल जी, लोग जाने उन्हें, लेकिन मृदुला जायसवाल जी ने काम किया या नहीं किया इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये आवाज उठाने का हक तो हम जैसी जनता को ही है ना, तो हम जब आवाज उठाएंगे तभी तो लोगों तक बात पहुंचेगी। आप सब लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहती हूँ, जितना हो सके आवाज उठाइए। ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ आवाज उठाना हम सबका अधिकार है। जय हिंद, जय भारत।